नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कुक विद किले में। तो आज मैं आपके साथ मसाला बाजरा रोटी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही हेल्दी बाजरा होता है, बहुत ही पौष्टिक होता है, अनेक गुणों से भरपूर होता है। तो इस सर्दी की ऋतु में हमें बाजरा तो खाना ही चाहिए। मैं आपको बीच बीच में इसके फ़ायदे भी बताऊँगी। तो यहाँ पर मैंने जो बाजरे का आटा है उसको छान लिया है। छानने के बाद हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं आधा चम्मच जितनी हल्दी ऐड कर रही हूँ, आधा चम्मच जितना हम इसमें नमक ऐड करेंगे, स्वाद के अनुसार नमक इसमें ऐड कीजिए। साथ ही हम इसमें आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे और लहसुन अदरक की पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा लाल मिर्च मैंने इसमें ऐड किया है, आप चाहे तो हरी मिर्च भी इसमें डाल सकती हैं। लाल और हरी दोनों मिर्च का यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। थोड़ा सा धनिया भी इसमें ऐड कर देंगे, साथ में ही एक चम्मच जितना घी हम ऐड करेंगे। तो घी डालने से जो हमारी रोटी बनेगी वो एकदम सॉफ्ट बनेगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो अब सभी चीज़ों को अच्छे से हमें हाथ से मिला देना है। बाजरा में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, उसमें बहुत सारा फाइबर होता है जो कब्ज में राहत दिलाता है। साथ में ही ये बालों और हमारे स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छा है, बालों और स्किन को ये हेल्दी रखता है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो तैयार करेंगे। एक साथ हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, इसी तरह थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसे मसलते हुए डो तैयार करना है। बाजरे की रोटी जब हम बनाते हैं तो उसको मसलना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छे से पहले तो पानी के साथ इसे मिक्स करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, जिससे कि ये बहुत सॉफ्ट या फिर बहुत हार्ड ना हो जाए। तो इसी तरह से थोड़ा पानी हमने इसमें डालते जा रहे हैं और इसका डो तैयार करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इसे डो के फॉर्म में ला दिया है कि अब हम क्या करेंगे कि हमें जितना बड़ा रोटी बनाना है उतना पोर्शन हम अलग निकाल लेंगे और उसको हम हथेलियों की मदद से अच्छे से उसको मसलेंगे। तो मसलना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे हमारी रोटी है वो बहुत सॉफ्ट बनेगी, फटेगी भी नहीं और बनाने में भी सरलता होगी, बहुत आसानी से ये बन जाएगी। तो इस तरह से हथेली की मदद से हमें इसे 2 से 3 मिनट तक इस तरह से मसलना है। तो अच्छे से मसलने के बाद हम इसका बोल बना लेंगे। बाजरा कोलेस्टेरॉल को कम करता है, इसलिए हृदय के लिए भी बहुत ही अच्छा है। जब हम बाजरे की रोटी खाते हैं ना तो ज़्यादा टाइम तक हमें भूख नहीं लगती, तो इससे ये वज़न कम करने में भी सहायता करता है। तो यहाँ पे मैंने बोल बना के तैयार कर लिया है। अब हम हथेलियों में थोड़ा सा पानी लेके इस तरह से दबा दबा कर इसका एक रोटी तैयार कर लेंगे। अगर आपको इस तरह से रोटी बनाना नहीं अच्छा लगता, नहीं आता, तो फिर आप क्या करें, चकले में थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क के बोल को रख दीजिए और हथेलियों की मदद से इसे गोल गोल घुमाकर दबाते हुए बना लीजिए। तो ये आसानी से बन जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे इस तरह से हाथों से ही बनाया है। अगर आप ये रेसिपी चकले में बनाकर, बाजरे की रोटी आप चकले में बनाकर सीखना चाहते हैं तो उसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं कि चकले पर भी कैसे बाजरे की रोटी बनती है। तो अब हम इसको मिट्टी की तवे पर मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था, तो उसके ऊपर हम इसको रख देंगे और उसको एक साइड उसकी सेक लेंगे। तो एक साइड यहाँ पे अच्छे से सिक चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि दूसरी साइड को पूरा हमें सिकने देना है। तो पहले हम इसे इस तरह से उठाकर देख लेंगे कि किस साइड थोड़ा सा कच्चा है, जिस साइड कच्चा हो उस साइड हमें अच्छे से उसे पका लेना है। तो जो नीचे की साइड है वो अच्छे से पक जाने के बाद फिर हम ऊपर की साइड भी इसे अच्छे से पका लेंगे, सेक लेंगे।
बाजरा की बहुत सारी वानगी बनती है, जैसे मुठिया बनते हैं, राब बनती है, बाजरे का सीरा भी बनता है। तो ये सब चीज़ें हमें सर्दी की ऋतु में खानी चाहिए। ये जो बाजरे का मसाला रोटी है वो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। सुबह में आप इसे चाय के साथ खा सकते हैं, दही या फिर चटनी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बाजरे की रोटी होती है, तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाइए। दूसरे बाजरे की रोटी भी मैंने मिट्टी के तवे पर डाल दी है, तो इसे भी निकाल लेंगे सीखने के बाद। तो यहाँ पे हमने घी लगा दिया है अच्छे से, तो बाजरे की रोटी मसाला रोटी बनके तैयार हो गई है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे मेरे नए वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।